श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूं तो भोले सहज मतवारे, तापे प्याला नाम उड़ावे, तापे नारद बीना बजावे, लहर लहर रस लहर चलावे, तापे वादक पुनिगन नायक, परन की रेल पे रेल चलावे, तीन तिकट के प्रेम विकट पे, नाथ त्रिलोकी गरी गरी जावे। ये द्रव्य क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा इस द्रव्य का नाम है ब्रह्म द्रव्य। ब्रह्म द्रव्य, इसलिए गंगा जी का एक नाम ब्रह्म द्रव्य है, जहां ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर बह रहे हैं, यही जल गंगा जी कहलाया। श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवा महत्वं गंगायां सततं मिदमा भाति नितरां यद्वेशा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा द्वितीया श्री लक्ष्मी सुर नरैर यस्य चरणा भवानी भरतुर्या शिरसि विभवत अद्भुत गुणा। कहिए श्री गंगा मैया की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्री गुरु प्रेमानंद जय गौर हरि बोल, श्री गुरु प्रेमानंद जय गौर हरि बोल, श्री गुरु प्रेमानंद जय गौर हरि बोल। निकाय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, निकाय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, भज नीता हरे कृष्णा हरे राम,
जप हरे कृष्णा हरे राम जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता। एक बार ही जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता मैया जो जननित गाता दास वाहि सहज में दास वाहि सहज में भक्ति को पाता ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर तुमको जाता मनवांछित फल पाता ओम जय गंगे माता। भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौराधे श्याम हरे कृष्णा हरे ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्णा हरे राम 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 ताई गौरा दे श्याम हरे कृष्णा हरे भैया गाओ गाओ हरि नाम हरे कृष्णा हरे राम 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 मधुर मधुर 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 नाम हरे कृष्णा हरे राम श्याम हरे कृष्णा हरे राम ताई गौरा दे 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 श्याम हरे कृष्णा हरे राम
निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताई गो राधे श्याम हरे कृष्णा हरे गंगा जगतारण को आई गंगा जगतारण को आई गंगा जगतारण को आई गंगा जगतारण को आई जीवन के उद्धारण कारण जीवन के जगतारण को आई
प्रगट भई नभ ते और ब्रह्मांड प्रगट भई नभ ते गौमुख सोनिक भागीरथ को सफल कियो तप भागीरथ को सफल कियो तप ओ शंकर जटा समा परस परस आचमन किए ते तरस परस आचमन किए ते हरत कलेश महाई हरत कलेश या की लहर लहर में बसते या की लहर लहर में बसते गंगा जी की लहर लहर में बसते लहर लहर में बसते
ठाकुर गौर निताई, मेरे ठाकुर गौर निताई, मेरे ठाकुर गौर निताई, मेरे ठाकुर गौर निताई, गौर दास हे करुणा से देव मिलाई, हरि से देव मिलाई, गंगा जगतारण को आई, गंगा जग जगतारण को आई, गंगा जगतारण को आई। श्री ठाकुर जी की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री गंगा मैया की पावन गोद में बैठकर श्री राधा माधव युगल सरकार श्री महाप्रभु जी के नौका विहार का सुख हम सबको प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज ठाकुर जी का नौका विहार का मनोरथ हमारी अत्यंत प्रिय जानकी ज्वेलर्स वाले भैया जी, उनके पूज्य पिता श्री प्रहलाद जी सिंघल, श्री सचिन सिंघल जी और श्री अभिषेक सिंघल जी के द्वारा ठाकुर जी का आज नौका विहार महानुरोध हो रहा है। हम सब ने श्री गंगा स्नान किया, प्रसाद ग्रहण किया और अब गंगा मैया की गोद में बैठकर ठाकुर जी का नौका विहार करने के लिए हम आप सब प्रस्तुत हैं। हम सब जानते हैं कि श्री गंगा जी कौन हैं। अनेक बार कथाओं में गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनते हैं। बंधुओं, ये जो जल बह रहा है ये केवल कोई पानी नहीं है, ये कोई जल नहीं है, ये कोई द्रव्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गंगा जी के रूप में साक्षात भगवान ही पिघलकर बह रहे हैं। कथा का बहुत विस्तार है, उत्सव मनाना है तो पूरी कथा तो कहने का अवसर नहीं, पर हम पूर्व में सुन चुके हैं कि गंगा जी की मूल उत्पत्ति कैसे हुई है। जिस समय भोले बाबा कैलाश पर्वत पर श्री कृष्ण के प्रेम में मगन होकर श्री गणेश जी के साथ में, नारद जी के साथ में हरि नाम संकीर्तन करने लगे, और ऐसा कीर्तन के कीर्तन करते करते भोले बाबा भी भाव समुद्र में निमग्न हो गए। गणेश जी भोले बाबा को संगत दे रहे थे मृदंग पर, और गणेश जी के साथ में नारद जी वीणा के माध्यम से
संगत दे रहे थे। और इन तीनों का, इन तीनों महावैष्णवों का, क्योंकि भोले बाबा से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, वैष्णवा नाम यथा शंभो, गणेश जी से बड़ा भी कोई वैष्णव नाम जापक नहीं, महिमा जासु जान गनराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और श्री नारद जी तो साक्षात भगवान के मन के अवतार हैं। इन तीनों की ऐसी संगत बैठी है कि कीर्तन करते 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 भावातिरेक में, भाव सागर में भोले बाबा, गणेश जी और नारद जी डूब गए। और उस कीर्तन की ध्वनि नित्य धाम गोलोक तक पहुंच गई। श्री गोलोक धाम में जहां श्री राधा माधव गरबैया देकर के अष्ट सखियों के द्वारा सेवित विराजमान है, भोले बाबा के कीर्तन की ध्वनि श्री कृष्ण तक पहुंची। और उस कीर्तन को सुनकर भगवान व्याकुल हुए, क्योंकि भगवान के मुख का वाक्य है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च पर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। भगवान ने नारद जी को अपने मुख से कहा है कि मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं कभी कभी योगियों के हृदय को छोड़कर भी चला जाता हूँ, वो ध्यान करते रहते हैं, पर मेरे भक्त जहां मुझे प्रेम पूर्वक रोकर विह्वलता पूर्वक पुकारते हैं उस स्थान को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ सकता। कीर्तन की इतनी महिमा है और उसमें भी जो कीर्तन हृदय से किया जाता है, जो महाप्रभु जी के कृपा पात्रों का कीर्तन है, जहां नाम और नामी को एक मानकर कीर्तन किया जाता है, तो उस कीर्तन की इतनी महिमा है कि भगवान कहते हैं कि तत्र तिष्ठामि माने वहां मैं बैठ के कीर्तन सुनता हूं, वहां मैं रहता हूं। तो किसी ने पूछा कि जहां पर प्रेम पूर्वक कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहां ठाकुर जी आते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, तो प्रमाण क्या है? कभी ऐसा तो देखा नहीं गया कि कीर्तन हो रहा हो बीच में मुरली मनोहर प्रकट हो गए, मुरली बजाते। किसी को दर्शन होते होंगे हृदय में, पर प्रत्यक्ष रूप में तो ऐसा शायद नहीं देखा गया। पुराणों में तो अनेक चरित्र हैं, महापुरुषों के साथ तो हुआ। तो प्रभु कहते हैं मैं आता हूं, अवश्य आता हूं। तो बंधुओं, कीर्तन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, भगवान को गाते गाते हमारा आपका जो चित्त द्रवीभूत होता है, जो आंख से आंसू गिरते हैं, जो दिल पिघलता है, भगवान के लिए रोने तड़पने की इच्छा पैदा होती है, उस तड़प के रूप में, उस आनंद के रूप में, उन आंसुओं के रूप में कौन आता है? ये ठाकुर जी की प्रथम अभिव्यक्ति होती है एक भक्त के लिए। कथा सुनते सुनते मन रमने लग जाए, मन होए कि रोऊं अब, तो समझ लीजिए कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्राकट चित्त में हो गया, माने प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हमको आपको करना क्या है कि उस उबाल को ठंडा नहीं होने देना है, उस द्रवीभूत चित्त को दोबारा से कठोर नहीं होने देना है, और उस विरह को बनाए रखना है, उस तड़प को, उस प्रेम को बनाए रखना है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए गुरुजन का कहना है कृपा को पाना कठिन नहीं है, कृपा तो मिल जाती है। अब यहां गंगा मैया की गोद में बैठे हैं, क्या कम कृपा है? ठाकुर जी का नौका में दर्शन कर रहे हैं, नौका विहार का दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्या कम कृपा है? कृपा को पाना कठिन नहीं है, कठिन है कृपा को पचा पाना और कृपा को बचा पाना। कृपा आती तो बहुत है, लेकिन बर्तन में इतने छेद हैं कि सब बह जाती है, रुकती नहीं है। और किसी के पास रुकती है तो हाजमा बिगाड़ देती है, पच नहीं पाती। आदमी के भटकने की, भूलने की, अभिमान आने की, बुद्धि बिगड़ने की बहुत संभावनाएं रहती।
संसार में हम देखते हैं कितने कितने दिन सेवा करके और व्यक्ति की बुद्धि खोटी हो जाती है, 10-20 साल सत्संग सुनने के बाद भी बुद्धि बिगड़ जाती है। तो एक ही कारण है कि कृपा मिली तो सही पर पचाई नहीं गई। अब किसी ने आगे रसगुल्ले का छाल धर दिया, हमें अच्छे बहुत लगते हैं, पर देने वाले ने दे दिया, पाने वाला पा भी रहा है, लेकिन उन रसगुल्लों को पचाने के लिए पेट में जान भी होनी चाहिए। तो कृपा पाना कठिन नहीं, कृपा को बचा पाना और कृपा को पचा पाना कठिन है। तो भगवान आते हैं, ये उनका खुद का वाक्य है। तो भोले बाबा ने कीर्तन प्रारंभ किया, ठाकुर जी को गोलोक में कीर्तन की आवाज आने लगी। श्री जी ने कहा क्या हुआ? गोविंद ने कहा प्रिया जी भक्त पुकार रहे हैं, जाना होगा। और भगवान चले वहां से, जैसे एक सपेरा बीन बजाता है और उस बीन से आकृष्ट होकर के सर्प किसी भी बिल में छिपा हो तो उस बीन बजाने वाले के पीछे पीछे नाच करके वहीं आ जाता है, समर्पण कर देता है। ऐसे ही श्री हरिनाम संकीर्तन का जो भाव पूर्वक आश्रय लेते हैं, ठाकुर जी उनके अधीन हो जाते हैं। भक्तमाल में इस तथ्य के अनेक प्रमाण हैं। मीराबाई जी के बस में हो गए, अभी मीरे ही चरित्र कह के आ रहे हैं। मीरा जी के बस में हो गए, सूरदास जी के बस में हो गए, तुलसीदास जी के बस में हो गए, महापुरुषों के बस में हो गए, हमारे गुरु लोगों के बस में हो गए। तो उनके पास ऐसी क्या वस्तु थी? उनके पास विहवलता पूर्वक नाम करने की कला थी। और गुरु लोग और संतों की शरणागति किस लिए है? गुरु लोग और संतों की शरणागति इसीलिए है कि हम उन महापुरुषों से उनके जैसा नाम करना सीख लें, उनके जैसी भावना करनी सीख लें, उनकी तरह रोना तड़पना और उनकी तरह अपने चित्त को ठाकुर के चरणों में एकाग्र करना सीख लें। ये सीखा तो सब कुछ सीखा, और ये नहीं सीखा तो जल में मीन प्यासी और देखत आबे हांसी। फिर ऐसा होगा जैसे जल के भीतर मछली प्यासी हो, तो हंसी की बात, कोई मछली जल में रहे मैं प्यासी हूं तो या तो जल में नहीं है या उसको पीना नहीं आ रहा, कोई तो बात हो, जल में मीन प्यासी की बात हो जाएगी। तो ठाकुर जी विवल होकर के कैलाश पर्वत पहुंच गए। अब भोले बाबा की क्या मस्ती कि उनको होश नहीं कि भगवान आ गए, और ठाकुर जी बैठ करके कीर्तन सुनने लगे। अब बंधुओं, भक्ति ऐसी वस्तु है जो केवल भक्त को नहीं रुलाती है, भक्ति ऐसी वस्तु है जो भगवान को भी रुला देती है, भगवान को भी विभोर कर देती है। भोले बाबा तो रो ही रहे थे, गणेश जी तो विवल हो ही रहे थे, नारद जी तो रुदन कर ही रहे थे, कीर्तन सुनकर के स्वयं श्री कृष्ण भी रुदन करने लग गए, रोने लगे भगवान। और केवल आंखों से आंसू गिरे हों ऐसी बात नहीं है, केवल आंखों से नहीं, भगवान के रोम रोम से जल की धारा गिरने लग गए। एक धार, दो धार, चार धार, 100 धार, 1000 धार, अंग अंग से श्री कृष्ण के जल की धारा प्रवाहित होने लगी, और अंततः तो भगवान के अंगों से फुहारा फूट पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आए, देखे अरे ये क्या हो रहा है, भोले बाबा मगन होकर के कीर्तन लीला में डूबे हैं और श्री ठाकुर जी अपने ही नाम सुन के रो रहे हैं, पिघल रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी, आपुन भक्ति करें आप मुरारी। श्री कृष्ण गौरांग इसलिए बने हैं, अपनी भक्ति खुद करके देख रहे हैं आनंद कैसा आता है। तो ठाकुर जी अपने ही नाम सुन के पिघल रहे, ब्रह्मा जी ने आके देखा, भोले बाबा को सुधी कराई, भोले बाबा को
बहुत देर में बाह्य अवस्था प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए यूं तो भोले सहज मतवारे, तापे प्याला नाम उड़ावे, तापे नारद बीना बजावे, लहर लहर लस लहर चढ़ावे, तापे वादक पुनिगन नायक, परन की रेल पे रेल चलावे, तीन तिकट के प्रेम विकट पे, नाथ त्रिलोकी गरी गरी जावे। इन तीन तिकट के प्रेम विकट पे भगवान शंकर गणेश जी और नारद जी, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सब एकदम स्तंभित हो गए, भगवान को देखने लगे। भक्तों का आवेश तो कुछ देर के लिए सिमट भी गया, लेकिन श्री कृष्ण की वो प्रेम दशा बनी रही और भगवान के अंग अंग से जल बहता रहा। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ये क्या बह रहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठाकुर जी ही पिघल कर बह रहे हैं, ये द्रव्य क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस द्रव्य का नाम है ब्रह्म द्रव्य, ब्रह्म द्रव्य। इसलिए गंगा जी का एक नाम ब्रह्म द्रव्य है, जहां ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर बह रहे हैं। क्या किया जाए? तब नारद जी ने अपने कमंडल में उस दिव्य जल को सुरक्षित कर लिया है, भर लिया है। और बंधुओं, यही जल गंगा जी कहलाया है। ये गंगा जी के प्राकट्य की मूल कथा है। श्री कृष्ण ही पिघले हैं गंगा जी के रूप में। उसी ब्रह्म द्रव्य को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सुरक्षित किया है और उसी जल से वामन भगवान के चरण धोए हैं। देखिए, ठाकुर जी अपने ही नाम सुन के पिघले तो ब्रह्म द्रव्य कहलाए। उस ब्रह्म द्रव्य को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सुरक्षित किया और जिस समय वामन भगवान प्रकट हुए, एक पग में सारे ऊपर के लोग, एक पग में नीचे के लोग, तीसरा पग बलि के सिर पे, तो जिस समय वामन भगवान ने ऊपर के चरण ऊपर के लोक नापे, तब उनका चरण ब्रह्म लोक में गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्म द्रव्य से वामन भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे को धोया। तब गंगा जी का एक नाम हो गया विष्णुपदी, जो भक्त लोग कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा पारी, वो इसीलिए, क्योंकि वामन भगवान के चरण का अंगूठा धोया है। तब गंगा जी का नाम हो गया विष्णुपदी, चरणोदक हो गया नाम उनका, ठाकुर जी का चरणामृत है गंगा जी। और फिर भी वो गंगा जी सुरक्षित रही। और फिर हम जानते हैं भगीरथ जी, राजा सगर के 60,000 पुत्र, राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, इंद्र घोड़ा चुरा के ले गए, लड़ने की ताकत नहीं थी तो कपिल भगवान के आश्रम में बांधे आए। पीछे सगर जी के बेटे ढूंढने चले, कपिल जी के आश्रम में बंधे देखा घोड़े को, सोचा कि कपिल भगवान ही घोड़ा बांधकर घोड़ा लेकर के यहां बैठ गए हैं। तब कपिल देव भगवान को भला बुरा कहने लगे। कपिल देव भगवान के नेत्र खुले, तपस्या भंग हुई, उनकी नेत्रों के तेज से 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। राजा सगर को पता चला, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ और सोचा था, मेरे तो बच्चे ही मर गए और मृत्यु भी हुई, संत के कोप के कारण, भगवान के कोप के कारण उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें तो पितृ दोष लग गया है, अब पितर तुम्हारे सवरे दुख पाएंगे। सलाह की तो पता चला कि पितरों का 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार का एक उपाय है कि ब्रह्म लोक से गंगा जी धरती पे आए। तब जानते हैं उनके पुत्र असमंजस जी, अंशुमान जी, तीन तीन पीढ़ी गंगा जी की तपस्या करते करते परलोक चली गई, पर गंगा जी नहीं आई। फिर चौथी पीढ़ी में भगीरथ जी महाराज, और श्री भगीरथ जी महाराज ने अभी पीछे सब लोग गंगोत्री दर्शन करके आए हैं, तो वहां पर आप सबने दर्शन किया था
जिस जगह बैठकर भगीरथ जी ने तपस्या की थी, आज भी वो शिला गली हुई है, आज भी वहां भगीरथ जी के चरण छपे हुए हैं, जहां खड़े होकर भगीरथ जी ने तपस्या की थी। लाखों बरस बीत गए, भगीरथ जी गंगा यही नमः, गंगा यही नमः, गंगा यही नमः, हे गंगा मैया कृपा करो, हे गंगा मैया दर्शन दो, तपस्या की। और अंततः उनकी तपस्या से राजी होकर श्री गंगा जी प्रकट हुई, दर्शन दिया भागीरथ जी को, क्या चाहते हो? भागीरथ जी ने कहा, मां धरा पे चलो, जगत पे चलो, क्या बात है? ऐसे ऐसे मेरे पूर्वजों का विनाश हो गया, अपने पूर्वजों के पितरों के उद्धार के लिए आपको ले चलना चाहता हूं। गंगा मैया ने कहा, मैं जगत में जाऊंगी तो जगत के लोग मुझे पवित्र कर देंगे, मुझे मैला कर देंगे, वहां जो वस्तु जाती है सब मैली हो जाती है, और तुम अपने पितरों का उद्धार यदि चाहते हो तो मैं तुमको अपना कुछ ब्रह्म द्रव्य, कुछ जल दे देती हूं, जहां वो पितृ लोगों का नाश हुआ था वहां डालोगे जल तो सब तर जाएंगे। पर भगीरथ जी ने कहा, मां मैं केवल अपने पितरों का उद्धार नहीं चाहता। तो फिर बोले, मेरे पितरों का उद्धार तो हो जाएगा, पर आगे आने वाले समय में लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो हिंदू लोग होंगे, जो सनातन धर्मी होंगे, जरूरी नहीं सबके घर में भागीरथ प्रकट हो जाए। आपको लाना मनाना तो बहुत कठिन है, मेरे तो पुरखे तर जाएंगे, बाकी भारतवासियों का कल्याण कैसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण कैसे होगा? तो मैं केवल अपने पुरखों के लिए नहीं, मैं पूरे समाज के लिए, संसार के कल्याण के लिए आपको बुलाना चाहता हूं, आपको चलना होगा। उनकी इस प्रार्थना पर गंगा मैया रीझ गई, फिर कहा, बेटा मैं चलती तो हूं, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मेरे आवेग को पृथ्वी धारण नहीं कर पाएगी, रसातल को चली जाएगी, कौन धारण कर सकता है? तब मैया ने कहा, एकमात्र ऐसे भोले बाबा हैं, शिव शंकर हैं, जो मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। सोचिए भगीरथ जी महाराज कितने दयालु, पहले तो लाखों हजारों बरस गंगा मैया का तप कर रहे थे, अब शंकर जी का करने बैठ गए। किस लिए? इसलिए कि सारे जगत का कल्याण कैसे हो, ये हिंदुओं का इतिहास है। यहां तो सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, मैं सुखी रहूं ये भावना नहीं है, मुझे रोटी पीछे मिले पहले सबको मिले, ये भाव यहां, ये संस्कार है खून में, कि साई इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये हम लोगों के संस्कार है, ये हमारा इतिहास है। भोले बाबा की तपस्या करने बैठ गए, भोले बाबा तो जल्दी राजी हो गए, आशुतोष है, कहिए। बोले, बाबा गंगा जी आनी है, लोक कल्याण का काम है, आपकी सहायता चाहिए, गंगा जी आए तो वेग को धारण कर लेना। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, कह दो गंगा जी को। और भोले बाबा दिव्य कैलाश पर्वत पर, बंधुओं ये जो हिमालय की चोटियां हैं, जो कैलाश के शिखर हैं, ये कुछ और नहीं, ये सब भोले बाबा की जटाएं हैं, भोले बाबा के केश हैं। और उस समय दिव्य रूप में होर ब्रह्मांड प्रकट भई, नभते शंकर जटा समाई, दिव्य रूप में ब्रह्मांड सतह को फोड़कर गंगा जी की धारा गिरी सात धाराओं के रूप में, और भोले बाबा ने सातों धाराओं को अपनी विशाल जटा में समा लिया, पूरे शिखरों पर बाबा की जटा ही जटा फैल गई। और गंगा मैया ने भगीरथ जी को यह भी कहा था, तुम आगे आगे रथ लेके चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगी तुम्हारे, और जहां कहोगे वहां चल पड़ूंगी। ठीक है, भोले बाबा ने जटाओं में रख ली, पर भोले बाबा के सिर पर जब जल आया ठंडा ठंडा, ठाकुर जी का चरणामृत, भोले बाबा तो इतनी मस्ती में आ गए कि अपनी सवरी जटा बांध ली और आंख बंद करके भजन करने बैठ गए। ये भूल ही गए कि जटाओं में गंगा जी को संभाला क्यों था, बेचारे भागीरथ जी खड़े ही रह गए, गंगा जी तो वहां में, अब कैसे हो? तब गंगा जी को प्रार्थना की,
गंगा जी ने कहा मेरी गलती नहीं, भोले बाबा को कहो। ये तो जटा में बांध के बैठ गए। बोले समाधि लग गई, ऐसा क्यों? बोले ये मेरे मूल स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अभी सुना ना कि गंगा जी का स्वरूप क्या, ये ब्रह्म द्रव्य है, गोविंद बह रहे हैं जल के रूप में, ये भगवान का चरणामृत है, चूंकि वामन भगवान के चरण धुलाए गए, इनको मस्ती आ गई प्रेम की, अब छूटेगी कैसे? बोले कीर्तन सुनाओ। तब फिर भगीरथ जी जोर जोर कीर्तन सुनाए, तब भोले बाबा को ध्यान आया, कहो क्या बात है। भगीरथ जी ने कहा महाराज बच्चे की ओर देखो, मेरे पितर ऐसे रह जाएंगे। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, तब सारी जटा नहीं, सारी जटा खोल दे तो सृष्टि बह जाए, एक जटा खोली, फिर दूसरी जटा खोली, फिर तीसरी, सात बार जटा खोली, सात धारा प्रकट हुई। मंदाकिनी जी, अलकनंदा जी, गंगा जी, सात धारा प्रकट हुई हैं। और उस समय जैसे गंगा जी की मूल धारा प्रकट हुई, गंगा मैया ने कहा चलो बेटा आगे आगे। और बंधुओं भगीरथ कितने दयालु, आगे आगे रथ लेके चले। तो ब्रह्मांड से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य, भोले बाबा की जटा में समाई, तो जटा शंकरी नाम हो गया। और भागीरथ जी के पीछे पीछे चली तो भागीरथी नाम हो गया। गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी है, भागीरथी नाम हो गया। चली, चल रहे थे, बीच में जेहनु मुनि की कुटिया पड़ी। गंगा जी उमंग में बहती आ रही, जेहनु मुनि तपस्या कर रहे, गंगा मैया उनकी कुटिया को बहा ले गई। जेहनु मुनि ने देखा ये कौन धारा आई, उनको खबर नहीं थी कौन धारा आई, उनको थोड़ा क्रोध आ गया, वो ओक लगा के सबरी गंगा जी पी गए। भगीरथ जी का रथ आगे जा रहा, देखे पीछे गंगा जी नहीं, क्या हो? तब फिर पूछा कहां गई गंगा जी, दिखाई नहीं पड़े। लौट के आए तो देखा जेहनु मुनि आनंद में विभोर बैठे झूम रहे। भगीरथ जी समझ गए कि इनको शायद ब्रह्म द्रव्य प्राप्त हो गया है। उस समय प्रार्थना किए और जानू मुनि को कहा महाराज जिनको आप पी बैठे हैं ये कोई साधारण जल नहीं, ब्रह्म द्रव्य है। जानू मुनि कहे तभी कहूं इतनी मस्ती कैसे आ रही है, इतना भगवान का चरणामृत पी लिया, अब कैसे होगा? बोले महाराज सबरे जगत का कल्याण करना है, केवल आपका नहीं। तब जेहनु मुनि ने कहा क्या करूं, यदि मुख से प्रकट करूं तो उल्टी का दोष माना जाएगा, यदि अधो इंद्री से प्रकट करूं तो भी दोष माना जाएगा। तब जेहनु मुनि ने अपनी जंघा को फाड़ दिया और जेहनु मुनि की जंघा से फिर गंगा जी की धारा प्रकट हुई। तब गंगा जी का नाम हुआ जाह्नवी। गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं, जाह्नवी इसलिए चूंकि जेहनु मुनि की जंघा से प्रकट हुई। और फिर भगीरथ जी चले और बहुत आनंद की बात बंधुओं, गंगोत्री से आप चलिए और फिर गंगा जी का प्रवाह ऋषिकेश में, हरिद्वार में, शुकताल में, और यहाँ भी सीधे हरिद्वार से ही धारा आ रही है, इसलिए जल बहुत शीतल है, यहाँ प्रवाह भी खूब है। चलते रहे, पर आप यदि नक्शा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भगीरथ जी चाहते तो गंगोत्री से सीधे गंगा सागर आ जाते, क्योंकि उनके पितृलोक तो वहीं थे, आज भी कपिल मुनि का आश्रम वहीं है गंगा सागर में, पर सीधे नहीं आए, कभी रथ को इधर को ले जाए, कभी रथ को इधर को ले जाए, कभी इधर को ले जाए, कभी 10-20-50 मील इधर चले जाए, कभी 10-20-50 मील इधर चले जाए, क्यों? ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र का कल्याण। कितनी धारा तो अभी कलयुग में सूख गई है, बाकी भगीरथ जी जितना घुमा सकते थे घुमाया। और सबसे पहले किसने स्नान किया? गंगोत्री दर्शन करने गए तो आप भूले नहीं होंगे, गंगोत्री से पहले गंग नानी तीर्थ पड़ा था, गंग नानी, उसको कहें गंगा आनी, वहीं, क्योंकि गौमुख पे तो जिसके शरीर में जान होएगी वही नहाएगा, वहां कोई गोता लगा देता है तो लगा तो देता है, फिर शायद 2-4-5 मिनट तक तो यही नहीं रहता कि शरीर है कि नहीं, सुन्न हो जाए शरीर, इतना शीतल है। तो वहां स्नान नहीं किया सबने, जब गंग नानी पर आई, वहां कुंड रूप में गंगा जी विराजमान है, तब सबसे पहले सप्त ऋषियों ने पूजन किया और सप्त ऋषियों ने स्नान किया, वहां भगीरथ जी ने भी गंगा जी का पूजन किया। और फिर जितनी भारत भूमि को, आज भी 50% से अधिक भारत भूमि को गंगा जी सींचती हैं,
नहरों के रूप में, धाराओं के रूप में, कैसे कैसे लेकर के चले और पूरी पृथ्वी को पावन किया तो सस्य श्यामला कहलाई। हम जैसे पतितों का उद्धार कर दिया, पतित पावनी कहलाई। और अंततः गंगा जी को लेते लेते और नवद्वीप महाप्रभु जी के प्राकट्य स्थान, फिर वहां से काकद्वीप, और काकद्वीप से फिर गंगा सागर, जहां पर लाखों साल पहले की भगीरथ जी के पितरों की चिता भस्म पड़ी थी। सोचिए, चिता भस्म। और जैसे गंगा जी पहुंची और गंगा जी के जल की एक बूंद उनके मृत पितरों के चिता भस्म को छुई, उसी समय 60,000 वो पूर्वज जो कई लाख साल पहले मर चुके थे, उसी समय सबके सब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, सबका चतुर्भुज रूप हो गया। उसी समय हजारों विमान आ गए और सबके सब चतुर्भुज रूप में विमान में बैठ करके भगवत धाम जा रहे हैं। भगीरथ जी जय जयकार कर रहे हैं और अंत में गंगा मैया गंगा सागर में जाकर विलीन होती हैं। जो यात्रा गौमुख से प्रारंभ होती है वो गंगा सागर में जाकर के विश्राम को प्राप्त होती है। तो ऐसी गंगा मैया की गोद में हम आप सब बैठे हैं ठाकुर जी का नौका विहार मनाने के लिए। पहले कुछ देर गंगा मैया को पुकार लें, कीर्तन कर लें, अपने मन को संभाल लें और फिर युगल की लीला में प्रवेश करना ज्यादा सुगम होगा। तो सब लोग प्रेम से गाएं, भागीरथ जी गा रहे हैं, सब ऋषि मुनि गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं, हम भी करें। जय गंगा, जय गंगा गंगा, जय गंगा, जय जय गंगा, 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 गंगा, जय गंगा, जय गंगा, गंगा, जय गंगा, जय जय 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 गंगा, राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा, राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा, राधा माधव गौर निताई भजिए जय गंगा गंगा, जय गंगा, जय गंगा गंगा, जय गंगा, जय जय 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 गंगा, भजिए वृंदावन चंदा,
वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा सुख कन्ना कोई भजो गौर हरि सुख चंदा कोई भजो गौर हरि सुख कन्ना कोई भजो गौर हरि सुख कन्ना पतितन के ठाकुर नित्यानंदा पतितन के ठाकुर नित्यानंदा अजमन के ठाकुर नित्यानंदा अजमन के ठाकुर नित्यानंदा मेरे गौर हरि नित्यानंदा मेरे गौर हरि नित्यानंदा मेरे महाप्रभु नित्यानंदा मेरे महाप्रभु नित्यानंदा हरि भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा भजिए राधा गोविंदा जय गौर हरि नित्यानंदा जय गौर हरि नित्यानंदा जय गौर हरि नित्यानंदा जय गौर हरि नित्यानंदा भजिए राधा गोविंदा ओ भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए वृंदावन चंदा कोई भजिए वृंदावन चंदा ओ जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा जय गंगा जय गंगा गंगा जय गंगा जय जय गंगा भजिए वृंदावन चंदा राधा माधव गौर निताई भजिए वृंदावन चंदा कोई भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए वृंदावन चंदा भजिए वृंदावन चंदा भजिए राधा गोविंदा कोई भजिए राधा
भजिए राधा गोविंदा, सब भजिए राधा गोविंदा, भजो गौर नित्यानंदा, सब भजो गौर नित्यानंदा, भजिए राधा गोविंदा, सब भजिए राधा गोविंदा, भजो गौर नित्यानंदा, भजो गौर नित्यानंदा, भजिए वृंदावन चंदा, भजिए वृंदावन चंदा, भजिए राधा गोविंदा, भजिए राधा गोविंदा, भजिए वृंदावन चंदा, भजिए वृंदावन चंदा, भज पतित पावनी श्री गंगा, भज पतित पावनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, कलि कलुष नाशनी श्री गंगा, कलि कलुष नाशनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, भजिए वृंदावन चंदा, भजिए वृंदावन चंदा, भजिए राधा गोविंदा, भजिए राधा गोविंदा, भजो गौर नित्यानंदा, भजो गौर नित्यानंदा, पतित पावनी भजो पावनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, हरि प्रेम दायनी श्री गंगा, कलि कलुष नाशनी श्री गंगा, कलि कलुष नाशनी श्री गंगा, कलुष नाशनी श्री गंगा, कलि कलुष नाशनी श्री गंगा, पतित पावनी श्री गंगा, भजो पतित पावनी श्री गंगा, भजिए राधा गोविंदा, भजो गौर नित्यानंदा, मन भजो गौर नित्यानंदा, श्री गंगा मैया की जय हो, पतित पावनी भागीरथी महारानी की जय हो, भागीरथ जी महाराज की जय हो, श्री गंगोत्री गंगा सागर धाम की जय हो, ठाकुर जी के नौका विहार महोत्सव की जय हो। आनंद हो गया बंधुओं, तो श्री गंगा जी की ऐसी दिव्य महिमा है। लेकिन एक बार श्री गंगा जी ने ठाकुर जी को शिकायत की और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मेरे से ज्यादा सौभाग्य तो यमुना जी का है। श्री कृष्ण ने कहा, कैसे? अरे, सारे जगत में आपकी प्रसिद्धि है, जगत के प्राणियों को जीते भी गंगा चाहिए, मरते भी गंगा चाहिए, गंगा जी के बिना तो जीवन नहीं है। पर गंगा जी ने कहा, प्रभु भले ये सब बात ठीक है, चर्चा ठीक है, लेकिन यमुना जी का सौभाग्य मेरे से ज्यादा है। क्यों? बोले, आपकी जितनी प्रेममय लीला है, रास विहार, वन विहार, कुंज विहार, नौका विहार, जल विहार, सब लीला आपकी यमुना जी के तट पे हुई हैं या यमुना जी के भीतर हुई हैं, तो प्रभु आपका अंग संग यमुना जी को प्राप्त हुआ है, मुझे तो बस एक बार आपके चरण प्रक्षालन का ही अवसर मिला। प्रभु ने कहा, तो क्या चाहती हो आप? गंगा जी ने कहा, प्रभु मुझे तो आपने पतितों को पावन करने के लिए ही रखा है, बस पापी लोग आते हैं, नहाते हैं, अपना पाप छोड़ जाते हैं, और मैं सबके कली कलुष का, पाप का नाश करके उनको पावन बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी लीला का सौभाग्य नहीं मिला, आपके ही सन्निधि का मुझे सौभाग्य बहुत कम प्राप्त हुआ, यमुना जी को बहुत प्राप्त हुआ। ये सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और गंगा जी को कहा, गंगा जी चिंता मत करिए, अब जो मेरा अगला पूर्णा अवतार होगा, पूर्णा नहीं परिपूर्णा परिपूर्णतम अवतार, प्रछन्ना अवतार होगा, जिस अवतार में मैं कलयुग में श्री जगन्नाथ मिश्र शची मैया के गर्भ से नवद्वीप धाम में अवतार लेकर के इस पूरे कलयुग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सुना करके जीवों का उद्धार करूंगा। हे गंगा जी, वो मेरा अवतार यमुना जी के तट पर नहीं होगा, आपके तट पर ही होगा, और मेरी संपूर्ण लीला गंगा जी में होगी।
तो आप सब जानते हैं गौर कथा को, आप सब श्रवण करते हैं। फिर कलयुग में विक्रमी संवत 1542 में होली के दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को स्वयं राधा कृष्ण एक होकर भोले बाबा कहते हैं, यह अव राधिका कृष्ण स अव गौर विग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नवद्दीपश्च तत्शुभ। श्री वृंदावन धाम ही नवद्दीप हो गए और स्वयं श्री राधा कृष्ण एक होकर श्री कृष्ण राधा भाव का आस्वादन करने के लिए और सारे जगत जीवों को अति दुर्लभ जो निकुंज का गुप्त धन अभी तक कभी भी प्रदान नहीं किया गया था, उस अत्यंत राधा कृष्ण के दुर्लभ प्रेम धन को बहुत सस्ती कीमत पर देने के लिए, भाई तेरे पांव परूं एक बार हरी, तेरे पाप ताप का बोझा ले हूं एक बार, नाम लिए ते तर जाएगो एक बार, वृंदावन धन पाएगो एक बार, राधा रमण पाएगो एक बार। तो वो निकुंज का गुप्त दुर्लभतम धन जिसके लिए ब्रह्मा जी शंकर जी सनकादिक जी नारद जी ललायत रहते हैं, उस गुप्त धन को अत्यंत सस्ती कीमत पर कितना, एक बार हरि बोल कह दे, इतनी कीमत पर लुटाने के लिए श्री कृष्ण तैयार हो गए। और राधा रानी से एक होके गौरांग बने तो कहां बने, गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे, गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे, गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे, गंगा जी के तीरे तीरे गौर चले धीरे धीरे, हवा चले सिरे सिरे गंगा जी के तीरे तीरे, हवा चले सिरे सिरे गंगा जी के तीरे तीरे, हवा चले सिरे सिरे गंगा जी के तीरे तीरे, हवा चले सिरे सिरे गंगा जी के तीरे तीरे, गौर चले धीरे धीरे गंगा जी के तीरे तीरे, गौर चले धीरे धीरे गंगा जी के तीरे तीरे। तो महाप्रभु जी का वो संपूर्ण विहार कहाँ हुआ, श्री गंगा जी के तट पे। और गौर कथा में हम सुनते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी, नरहरि, मुकुंद जी, संजय जी, गोविंद जी, सबके साथ महाप्रभु खूब विहार करते हैं, खूब विहार करते तैरते तैरते कभी शांतिपुर पहुंचते हैं, कभी श्रीखंड पहुंचते हैं, कभी कहां पहुंचते हैं, और खूब विहार करते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने उस अभाव को दूर किया, क्योंकि महाप्रभु तो साक्षात युगल हैं। तो महाप्रभु जी ने गंगा जी की अभिलाषा पूरी की, तो महाप्रभु का विहार गंगा तट पर हुआ। और हमारे गुरुजन श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज, सखी माँ जी, उन सबकी लीला स्थली भी गंगा तट है। अभी कुछ दिन पहले जब कथा थी नवद्वीप के निकट, तो वैशाख में सखी माँ जी की नौका यात्रा दर्शन करने गए, तो 5 दिन तक वहाँ नौका विहार का उत्सव होता है। अब प्रत्येक दिन अलग अलग भावना होती है। सखी माँ जी के ठाकुर जी शाम को 7-8 बजे डोले में बैठ के अष्ट सखियों के साथ सब परिकर कीर्तन करते नाचते हुए ठाकुर जी पहुँचते हैं गंगा तट पे। और आज भी लगभग रात को 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक ठाकुर जी नौका विहार करते गंगा जी में, सब परिकर। बहुत बड़ी नौका जिसमें 100-200-300 लोग बैठ जाएं, ऐसी नौका, और उसमें ठाकुर जी विहार करते हैं। और फिर सखी माँ जी के पदों का गायन होता है। वो दिव्य लीला उन्होंने चलाई थी, पर आज तक वो उसी प्रकार निभ रही है। तो उसमें अलग अलग भाव होता है सखी माँ का। किसी दिन भाव होता है यमुना तट पर विहार हो रहा है, एक दिन भाव होता है गिरिराज जी में मानसी गंगा पर विहार हो रहा है, और एक दिन वंशीवट पर रास हो रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग विहार। महाप्रभु जी गंगा तट पर विहार कर रहे हैं, और जुगल सरकार मानसी गंगा में विहार कर रहे हैं, और श्री यमुना पुलिन में विहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी नौका विहार के पीछे जो भावना है वो दोनों हैं। कभी ये बहता हुआ ब्रह्म द्रव्य हमारे लिए गंगा जी हैं, और कभी ये बहता हुआ ब्रह्म द्रव्य हमारे लिए यमुना जी हैं। और हम लोगों को तो, महाप्रभु के आश्रितों को तो बहुत छूट है,
दुगना दुगना रस है, कभी गौर लीला में गोता लगाओ, कभी ब्रज लीला में गोता लगाओ। वही महाप्रभु जी गौर आवेश में तो गंगा जी दर्शन करते, और वही महाप्रभु जी राधा भाव आवेश में तो उनको यमुना जी मानकर दर्शन करते हैं। तो यही आस्वादन हमको प्राप्त करना है। श्री युगल सरकार को सखियां नौका विहार करा रही हैं, और बंधुओं ये जो श्री वृंदावन धाम के लाड़ हैं ये बहुत अद्भुत हैं। हम लोग सुनते हैं चैत्र शुक्ल एकादशी से, कामदा एकादशी से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, उसी दिन से बांके बिहारी जी के फूल बंगला शुरू हो जाते हैं कामदा एकादशी से, चैत्र की एकादशी से, और सावन की मावस तक होते हैं। उस दिन राधा रमन जी का गुलाब डोल, राधा वल्लभ जी गुलाब डोल, सब ठाकुर जी माने कि अब फूल यात्रा प्रारंभ हो गई, ग्रीष्म ऋतु के लाड़ प्रारंभ हो गए। और उन लाड़ों का भी क्रम है, चैत्र मास में गुलाब डोल से लीला शुरू होती है ग्रीष्म की, और फिर चैत्र बीता वैशाख आ गया, अब श्री ठाकुर जी की चंदन यात्रा आ गई। ठाकुर जी को श्रीअंग पर चंदन, हम सब लोग चंदन महोत्सव मनाते हैं, तो ठाकुर जी के श्रीअंग पर चंदन धरा करके सखियां उनके ताप को दूर करना चाहती हैं, फूल कुंज के द्वारा ताप को दूर करना चाहती हैं, गुलाब डोल के द्वारा। और करते करते वैशाख भी बीत गया, जेठ का मास आ गया जो अभी चल रहा है, हम लोग सुनेंगे उस समय। अब तो फूल कुंज से भी बात नहीं बनेगी, अब चंदन से भी बात नहीं बनेगी। उस समय सखियां दिव्य यमुना पुलिन पर नौका विहार का आयोजन करती हैं, जल विहार का आयोजन करती हैं, और उस समय दिव्य यमुना पुलिन पर दिव्य दिव्य पुष्पों की कुंज बनी है, दिव्य दिव्य चंदन की नौका को पुष्पों से सुसज्जित करती हैं, और अष्ट सखियां युगल को लेकर नौका में विराजमान होती हैं और लाड़ करती हैं। उसी लाड़ को कभी तो ये भावना है, महाप्रभु के भाव के समय तो नवद्वीप में गंगा तट पे हैं और गंगा जी तो प्रवाहित हैं ही, कभी ये भावना है कि यमुना पुलिन पर जुगल सरकार की सेवा में हम सब विराजमान हैं। देखिए गुरुजनों का कहना है, झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। ये दरबार ऐसा है राधा रानी का, ये सच्चा दरबार है, नकली भी आए यहां हो में असली, ऐसी बरसाने की रंगीली गली, वृषभानु की लली। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी की वाणी है, नकली हूं आए यहां हो में असली। हम जैसे नकली भी इनके चरणों में आके राधा रानी चाहे तो असली बना दें, झूठों को सच्चा बना दें। तो करना क्या है बंधुओं, हम सब यहां बैठे हैं, ये पावन मुराद नगर का भक्त लोग छोटा हरिद्वार कहते हैं, और धारा भी हरिद्वार जैसी, सब व्यवस्था भी, पर अपने को भावना यही करनी है, कभी गौर लीला का आस्वादन में नवद्वीप धाम में वहीं समाजवाड़ी के निकट उसी गंगा तट पर श्रीमद राधा रमन चरणदाव देव ललिता सखी माजी किशोरी दासी जी श्री रामदास बाबा जी गौरांग बाबा जी गुरु महाराज उनके आनुगत्य में महाप्रभु जी को नौका विहार करा रहा हूं। महाप्रभु विराजमान है, एक और बड़े बाबा गुरुजन विराजमान है नौका में, कभी तो इस भाव का आस्वादन। और बंधुओं नवद्वीप को वृंदावन होते देर नहीं लगती, और गंगा जी को यमुना जी होते देर नहीं लगती। गौर लीला का आस्वादन करते करते जब चित्त वृत्ति प्रगाढ़ होती है और हृदय के भीतर मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं है, जब गुरुओं की कृपा से भाव प्रगाढ़ होता है तो कम्मे को गौर युगल बन जाते हैं पता नहीं पड़ता, कम्मे को नवद्वीप वृंदावन, कम्मे को गंगा जी यमुना जी पता नहीं पड़ता। और आचार्य लोग दोनों लीला में, कभी गौर लीला कभी ब्रज लीला में आस्वादन करते हैं। तो यही भावना करनी है, हम सब गौरदास हैं, हम सब निताई दास हैं, हम सब कृष्ण दास हैं, हम सब श्री जी की दासी हैं, यही हमारा स्वरूप है। हम सबकी जाति अलग अलग हो, शरीर अलग है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है,
कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये सब झूठी बात, ये सब बाहर की बात। हम सब जीवों का असली अंतरंग परिचय यही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब गोविंद के अंश हैं। महाप्रभु कहें जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप है हम कृष्णदास हैं। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज कहते हैं अलहदिनीर वृत्ति जीव, जीव नित्य राधादासी। श्री कृष्ण की अल्लादिनी शक्ति श्री राधा की अंश भूता होने से हम सब आनंद ही क्यों चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो, कोई दुनिया में दुख नहीं चाहता भले वो पाप करता हो। सब सुखी चाहते हैं, आनंदी चाहते हैं, आरामी चाहते हैं, प्यारी चाहते हैं, कोई नफरत नहीं चाहता भले दूसरे को नफरत दे, कोई क्रोध नहीं चाहता भले दूसरे पे क्रोध करे। हम कभी चाहते हैं कोई हमसे क्रोध में बात करे, हम सब चाहते हैं सब हमसे सम्मान पूर्वक बात करें, हमसे प्यार से बात करें, हमसे मीठा बोले भले हम दूसरों से कड़वा बोलते रहें। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हमको खाने में मीठा अच्छा लगता है, हमको बोलने में मीठा अच्छा लगता है, हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो बहुत मीठा है, हम जिसके अंश हैं वो सुख का सागर है, हम जिसके अंश हैं वो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम वसनामा अखिल लोक दायक विश्राम। उस आनंद सिंधु के हम बिंदु हैं तो हम सब आनंद चाहते हैं। लेकिन ये भूल है कि इन आनंद सिंधु को छोड़ करके आग से आनंद चाह रहे हैं, आग से शीतलता चाह रहे हैं, विषय से विष से शीतलता चाह रहे हैं। तो बंधुओं हम सब जीवों का स्वरूप है कि हम राधा गोविंद के हैं। ये मनुष्य शरीर राधा गोविंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। और ये उत्सव, इन उत्सवों का अर्थ क्या है? ये कोई आयोजन नहीं, ये केवल कोई कार्यक्रम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। हम लोगों ने तो गुरुओं से यही सीखा है, यही समझा है कि ये उत्सव अपने मन को जुगल सरकार के चरण कमलों में लगा देने का साधन है, अपने आप को भुला देने का साधन है, मिटा देने का साधन है, और अपने आप को गोपी प्रेम में रंग देने का साधन है। ये कोई आयोजन नहीं, कोई महफिल नहीं, ये तो अपने मन को संभालने का, लगाने का अवसर है। तो हम सबको अपनी अंतर आत्मा को गोपी भाव में, मंजरी भाव में निमज्जित करना है। एकमात्र राधा गोविंद ही मेरे हैं, उन्हीं को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी भाव से नौका विहार रस का आस्वादन करें। तो सुंदर सखियों ने आज मानसी गंगा में, श्री गिरिराज जी में सबने मानसी गंगा का दर्शन किया है, और सब जानते हैं कि मानसी गंगा कैसे प्रकट हुई। जब गिरिराज जी को अभिषेक कराना था, ठाकुर जी ने बाल वालों को कहा कि भाई जाओ यमुना जी से जल लेकर, गिरिराज जी नहाएंगे। अब ग्वाल बाल चले, दो कलसा, चार कलसा, सौ कलसा, 500 कलसा, बिचारों की ढोते ढोते कमर टूट गई। भगवान से कही नहा लिए गिरिराज जी? भगवान ने कहा भी तो नख भी नहीं भीजा। ग्वाल बालों ने कही हम ऊपर से नीचे तक पसीना भी भीज गए, तेरे ठाकुर का नख भी नहीं भीजा। तो पूरे ठाकुर कब भीजेंगे? बोले लाते रहो। ग्वाल बालों ने कही कन्हैया हम तो बूढ़े है जाएंगे जल लाते लाते, कछु ऐसा प्रबंध कर दे कि यहीं जल की व्यवस्था है जाए। ठाकुर जी ने कि बढ़िया बात है। अब ठाकुर जी चाह रहे तो, ठाकुर जी चाह रहे ब्रज में गंगा जी आए, वे अपने भक्तों से कहलवा रहे, क्योंकि भक्त के अधीन है सबरी दुनिया, भगवान के अधीन है, भगवान भक्त के अधीन है। जब ब्रजवासियों ने कह दी यहीं जल की व्यवस्था कर दे, तब आप जानते हैं ठाकुर जी ने कही एक बार नेत्र बंद करके जोर का जयकारा लगा दो। और उस समय भगवान ने जोर का जयकारा लगवा दिया, कहिए श्री गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। और जैसे ठाकुर जी ने जय जयकार की, ऐसे ही गड़गड़ 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 शब्द हुआ गिरिराज जी में, और गंगा जी की धारा फूट गई महाराज। तो ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई, इसीलिए मानसी गंगा कहलाई। तो आज मानसी गंगा में ही जुगल सरकार को सखियां विहार करा रही हैं, सुंदर फुलवारी सजी है और सखियां गा रही हैं।
गंगा तट फूल रही फूलवारी, 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 नौका में सोह रहे पिया प्यारी, नौका में सोह रहे पिया प्यारी, नौका में सोह रहे नदिया बिहारी, नौका में सोह रहे नदिया बिहारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी। ग्रीष्म की जेठ महीना, ऋतु ग्रीष्म की जेठ महीना, ऋतु ग्रीष्म की जेठ महीना, ऋतु ग्रीष्म की जेठ महीना, तन से टप के टप टप पसीना, 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 यतन सखी सब करत नवीना, 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 सेवा कार्य सब होत प्रवीना, 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 झाड़ी सेवा में सखियां सारी, झाड़ी सेवा में सखियां सारी, ओ झाड़ी सेवा में सखियां सारी, झाड़ी सेवा में सखियां सारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी, 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 नौका में सोह रहे प्यारे प्यारी, नौका में सोह रहे नदिया बिहारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी।
पुलिन बन्यो अति मन हर मानसी गंगा लगे अति मन हर मानसी गंगा लगे अति मन हर चंदन की नौका बनी अति सुंदर 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 तामे आय विराजे युगलवर तामे आय विराजे युगलवर तामे आय विराजे युगलवर तामे आय विराजे युगलवर झाड़ी सखी सेवा में तत्पर ठाड़ी सखी सेवा में तत्पर ठाड़ी सखी सेवा में तत्पर ठाड़ी सखी सेवा में तत्पर शोभा है रही अति मनोहर मनोहर हरी सखी करी करके तैयारी हरी सखी करी करके तैयारी ओ सब सखी करी करके तैयारी सब सखी करी करके तैयारी गंगा तट फूल रही फुलवारी गंगा तट फूल रही फुलवारी गंगा तट फूल रही शीतल भोग धरा में सखियां 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 शीतल भोग धरा में ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा में ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा सखी ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा में ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा में सखियां शीतल पहले शीतल भोग धरा में पहले शीतल भोग धरा में ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा में ठाड़ी बीज ना चमर ढुरा में लखी लखी रूप न्यो छावर जा में लखी लखी रूप न्यो छावर जा में सखी लखी लखी रूप न्यो छावर जा में लखी लखी रूप नौ चावर तन मन फूली नाय समामे मन फूली नाय समामे तन मन फूली नाय समामे मन फूली नाय समामे हरेक
कोई करे फूल बरसारी, अरे कोई करे फूल बरसारी, हम कोई करे फूल बरसारी, हम कोई करे फूल बरसारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी, 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 नौका में नौका में नौका में नौका में सोह रहे पिया प्यारी, नौका में नौका में नौका में नौका में बैठे हैं नदिया बिहारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी, गंगा तट फूल रही फूलवारी। कोई सखी कर ले बीना बजा में, कोई सखी कर ले बीना बजावे, कोई सखी कर ले बीना बजा में, कोई सखी कर ले बीना बजावे, कोई सखी ढप मृदंग सरसा में, कोई सखी ढप मृदंग सरसा में, कोई सखी ढप मृदंग सरसा में, कोई ढप मृदंग सरसा में, कोई सखी ललित मधुर सुरगा 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 में, बहुत भात प्रिया लाल लड़ा में, बहुत भात प्रिया लाल लड़ा में, बहुत भात प्रिया लाल लड़ा में, बहुत भात प्रिया लाल लड़ावे, कोई सखी कर ले बीना बजावे, 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 कोई सखी ढप मृदंग सरसा में, 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 कोई सखी ललित मधुर सुरगा में, कोई सखी ललित मधुर सुरगावे, ओमगी ओमगी प्रिया लाल लड़ावे, ओमगी ओमगी प्रिया लाल लड़ावे, कोई सखी नाचे दे दे तारी, 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 गंगा तट फूल रही फूलवारी, 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 कोई सखी नाचे दे दे तारी, 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 गंगा तट फूल रही।
गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी। सखी बीज ना चमर डुरावे, कोई सखी बीज ना चमर डुरावे, कोई सखी बीज ना चमर डुरावे, सखी बीज ना चमर डुरावे, कोई सखी मोरन पंख घुमावे, सखी मोरन पंख घुमावे, लाड़ लड़ाओ जुगल लाड लड़ाओ, जुगल पे प्राण लुटाओ, प्राण लुटाओ जुगल पे प्राण लुटाओ, आली प्राण लुटाओ जुगल पे प्राण लुटाओ, आली प्राण लुटाओ जुगल पे प्राण लुटाओ, गोपी भाव जगाओ गोपी भाव जगाओ, गोपी भाव जगाओ गोपी भाव जगाओ, सखी भाव जगाओ गोपी भाव, सखी बीज ना चमर ढुरावे, कोई सखी बीज ना चमर ढुरावे, कोई सखी मोरन पंख घुमावे, कोई सखी मोरन पंख घुमावे, कोई सखी फूलन झर बरसावे, 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 लखी लखी प्राण न्योछावर पावे, लखी प्राण न्योछावर पावे, है रही सेवा विविध प्रकारी, 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 गंगा तट फूल रही फुलवारी, 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 नौका में नौका में नौका में नौका में बैठे हैं प्यारे प्यारी, नौका में नौका में नौका में नौका में बैठे हैं प्यारे प्यारी, देख सखी देख सखी देख सखी देख सखी जोरी लगे कैसी प्यारी, देख सखी देख सखी देख सखी देख सखी जोरी लगे कैसी प्यारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल
गंगा जल बीच चलत फुहारे, 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 बैठे भीगत प्यारी प्यारे, बैठे भीगत प्यारी प्यारे, बैठे भीगत प्यारी प्यारे, बैठे भीगत प्यारी प्यारे, गंगा जल में चलत फुहारे, गंगा जल में चलत फुहारे, गंगा जल बीच चलत फुहारे, गंगा जल बीच चलत फुहारे, रिम चले फुहारे फुहारे, रिम रिम चले फुहारे, रिम 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 चले फुहारे, ओहो रिम रिम चले फुहारे, ओहो रिम रिम चले फुहारे, ओहो भीजे प्यारी प्यारे, ओहो भीजे प्यारी प्यारे, ओहो भीजे प्यारी प्यारे, ओहो भीजे प्यारी प्यारे, ओहो मानो मेहावर से, ओहो मानो मेहावर से, ओहो मानो मेहावर से, ओहो मानो मेहावर से, ओहो लाल प्रियातन हर 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 से, गंगा जल में चलत फुहारे, गंगा जल में चलत फुहारे, बैठे भीगत प्यारी प्यारे, बैठे भीगत प्यारी प्यारे, बे उनको बे उनको निहारे, बे उनको बे उनको निहारे, बे उनको बे उनको निहारे, उनको वे उनको निहारे, लखी लखी रूप अपना पोहारे, लखी लखी रूप अपना पोहारे, बे उनको निहारे, उनको बे उनको निहारे, बैठे भीजत प्यारी प्यारे, बैठे भीजत प्यारी प्यारे, लखी लखी रूप अपना पोहारे, लखी लखी रूप अपना पोहारे, करी रहे रस की बतियां न्यारे, 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 गंगा तट फूल रही फुलवारी, 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 गंगा जी की धारा निर्मल, 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 तो और लगे चप्पू जल, तो और लगे चप्पू जल, तो और लगे चप्पू जल, जल गंगा जी की धारा निर्मल, गंगा जी की धारा निर्मल, दो और लगे चप्पू जल, दो और लगे चप्पू जल, सखियों ने सुंदर नौका का निर्माण किया है, सुंदर भोग, सुंदर सब व्यवस्था, चमर बीजना फुहारा, और अब नौका चलने की तैयारी है। सो श्याम सुंदर के हाथ से बंसी मंगल करके, श्याम सुंदर ने भी अपने हाथ में चप्पू, प्रिया जी ने भी अपने हाथ में चप्पू, और सखियों ने भी अपने हाथ में चप्पू संभाला है। सखियां गा रही हैं, गंगा जी की धारा निर्मल, गंगा जी की धारा निर्मल, दो और लगे चप्पू जल, 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 होय रहे
नौका में हल चले, होय रही नौका में हल चले, होय रही सखी होय रही, अब होय रही नौका में हल चले, होय रही नौका में हल चले, शोभा आज बनी है झलमल, शोभा आज बनी है झलमल, होय रही नौका में हल चल, 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 गंगा जी की धारा निर्मल, 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 लो और लगे चप्पू जल, लो और लगे चप्पू जल, होय रही गंगा में हल चल, होय रही गंगा में हल चल, शोभा आज बनी है झलमल, आज बनी है झलमल, शोभा आज बनी है झलमल, शोभा आज बनी है झलमल, नौका चलने की तैयारी, नौका चलने की तैयारी, नौका चलवे की तैयारी, नौका चलवे की तैयारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, 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 नौका में बैठे हैं प्यारे प्यारे, नौका में बैठे हैं प्यारे प्यारे, देख सखी आज सखी जोड़ी लगे कैसी प्यारी, देख सखी आज सखी जोड़ी लगे कैसी प्यारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, 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 उमगी ओहो उमगी ओहो उमगी उमग सखी चप्पू चला मैं, उमगी सखी चप्पू चला मैं, उमगी सखी चप्पू चला मैं, लाड़ लड़ाओ जुगल ने लाड़ लड़ाओ, उमगी सखी चप्पू चला मैं, उमगी सखी चप्पू चला वे, नौका विहार सखी करवा मैं, नौका विहार सखी करवा वे, उमगी सखी चप्पू चला मैं, उमगी सखी चप्पू चला वे, उमगी सखी चप्पू चला मैं, उमगी सखी चप्पू चलावे, नौका विहार सखी करवा मैं, नौका विहार सखी करवावे, नौका विहार सखी करवा, नौका विहार सखी करवावे, नौका विहार सखी करवा मैं, नौका
विहार सखी करवावे। अरे झोंके जोर हवा के आवे, झोंके जोर हवा के आवे, झोंके जोर हवा के आवे, झोंके जोर हवा के आवे। नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। उमग उमग सखी चप्पू चला में, 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 उमग उमग सखी, उमग उमग सखी, उमग उमग सखी चप्पू चला में, उमग उमग सखी चप्पू चला में। नौका विहार सखी करवा में, नौका विहार सखी करवा में, नौका विहार सखी करवा में, नौका विहार सखी करवा में। झोंके जोर हवा के आवे, झोंके जोर हवा के आवे, झोंके जोर पवन के आवे, झोंके जोर पवन के आवे। नौका आगे बड़ी बड़ी जामे, उमग सखी चप्पू चला में, उमग उमग सखी चप्पू चला में, नौका विहार सखी करवा में, नौका विहार सखी करवा में। नौका जोर हवा के आवे, नौका जोर हवा के आवे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका जोर हवा के आवे, नौका जोर हवा के आवे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे, नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। सखियां कर रही जय जयकारी, सखियां कर रही जय जयकारी, कहिए नौका बिहारी सरकार की जय हो, प्यारे प्यारी की जय हो, नदिया बिहारी की जय हो, श्री मानसी गंगा की जय हो, श्री नौका बिहार की जय हो। सखियां कर रही जय जयकारी, सखियां कर रही जय जयकारी, सखियां कर रही जय जयकारी, सखियां कर रही जय जयकारी। गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी। नौका में नौका में नौका में नौका में नौका में नौका में डोले प्यारे प्यारी, नौका में नौका में नौका में नौका में डोले प्यारे प्यारी। गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी। गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं। बड़े भाग सेवा सुख पाऊं, बड़े भाग सेवा सुख पाऊं, बड़े भाग पाऊं, बड़े भाग सेवा सुख पाऊं। गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं। लखी लखी नैना सुफल बनाऊं, लखी लखी नैना सुफल बनाऊं, लखी लखी जीवन सुफल बनाऊं, लखी लखी जीवन
जीवन सुफल बनाऊं। गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं, श्री गौरदास बलिहारी जाऊं। बड़े भाग से वासुख पाऊं, बड़े भाग से वासुख पाऊं, गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं, गंगा धार विहार कराऊं। लखी लखी जीवन सुफल बनाऊं, लखी लखी जीवन सुफल बनाऊं, लखी लखी जीवन सुफल बनाऊं, लखी लखी जीवन सुफल बनाऊं। राखूं जोरी हृदय संभारी, राखूं जोरी हृदय संभारी, राखूं जोरी हृदय संभारी, राखूं जोरी हृदय संभारी। गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी, गंगा तट फूल रही फुलवारी। नौका में नौका में नौका में नौका में घूम रहे पिया प्यारी, नौका में नौका में नौका में नौका में डोल रहे पिया प्यारी। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए एक सखी प्यारे प्यारी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए एक सखी प्यारे प्यारी। गंगा तट फूल रही फुलवारी, 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 गंगा तट फूल रही फुलवारी। फूलन की नौका में बैठे पिया प्यारी हो, 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 फूलन के बसन बदन छवि नारी 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 हो, फूलन की कुंजन में बैठे पिया प्यारी 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 हो। फूल से मुखार बिंद बचन फूलन सम, फूल से मुखार बिंद बचन फूलन सम, फूल से मुखार बिंद बचन फूलन सम, फूल से मुखार बिंद बचन फूलन सम। फूल फूल भरे दो गात कर न्यारी हो, फूल फूल भरे दो बात करे न्यारी हो, फूल फूल भरे दो बात करे न्यारी हो, फूल फूल भरे दो बात करे न्यारी हो। फूलन की कुंजन में सोहे पिया प्यारी हो, फूलन की कुंजन में सोहे पिया प्यारी हो। ऐसे ही समाज साज आज नारायण, ऐसे ही समाज साज आज नारायण, ऐसे ही समाज साज आज नारायण,
ऐसे ही समाज साज आज नारायण जैसे ही समाज साज आज नारायण जैसे ही समाज साज आज नारायण मानो कुंज भवन में फूली फुलवारी हो 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 फूलन की नौका में डोले पिया प्यारी 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 हो बलिहारी हो सखी बलिहारी हो शोभा बड़ी प्यारी हो शोभा बड़ी प्यारी हो नौका की सवारी हो नौका की सवारी हो नौका की सवारी हो नौका की सवारी हो डोले डोले रे जय हो डोले डोले रे डोले डोले रे युगल सरदा गंगा जी की धारा में डोले डोले रे जय हो डोले डोले रे जय हो डोले डोले रे युगल सरकार गंगा जी की धारा में डोले डोले रे डोले डोले रे डोले डोले रे युगल सरकार की धारा में डोले डोले रे जय हो डोले डोले रे जय हो डोले डोले रे युगल सरकार गंगा जी की धारा में ओ सखी करी रही जय हो हम करी रही जय हो तो करी रही नौका बिहार गंगा जी की धारा में तो करी रही जय हो तो करी रही जय हो करी रहे नौका विहार गंगा जी की धारा में गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले गंगा जी की धारा निर्मल कल 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 बोले एता में नौका सजी सुहावन झलमल झलमल डोले में नौका सजी सुहावन झलमल झलमल डोले गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले तामे नौ
नौका सजी सुहावन धीरे धीरे डोले तामे नौका सजी सुहावन धीरे धीरे डोले आहा तामे नौका सजी सुहावन चल रही होले होले तामे नौका सजी सुहावन चल रही होले होले आहा तामे नौका सजी सुहावन चल रही होले होले नौका सजी सुहावन चल रही होले होले छायो छायो रे छायो छायो रे छायो छायो रे आनंद अपार गंगा जी की धारा में छायो छायो रे छायो रे छायो रे आनंद अपार गंगा जी की चहूं और से सखियां चप्पू चप्पल चलावे घेरे चहूं और से सखियां चप्पू चप्पल चलावे घेरे चहूं और से सखियां चप्पू चप्पल चलावे लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे चहूं और से घेरे सखियां चप्पू चप्पल चलावे और से घेरे सखियां चप्पू चप्पल चलावे चहूं और से घेरे सखियां चप्पू चप्पल चलावे और से घेरे सखियां चप्पू चप्पल चलावे ये लग रहे धोखा चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे धोखा चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे धोखा चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे लग रहे झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे उठ रही रे उठ रही रे उठ रही रे तरंग आपा गंगा जी की धारा में उठ रही रे हो उठ रही रे हो उठ रही रे तरंग आपा रे गंगा जी की धारा में डोले डोले रे हो डोले रे हो डोले रे जुगल सरकार गंगा जी की करी रहे नौका विहार गंगा जी की धारा में तो करी रहे नौका विहार गंगा जी की धारा में
घाट बन कुंज अनुपम घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहावे घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहावे। युगल सरकार नौका में विहार कर रहे हैं, अलग अलग सखियों ने अलग अलग घाटों पर दिव्य दिव्य फूलों की कुंज बनाई है। अपनी अपनी कुंज में पुष्प लेकर आरती लेकर भोग लेकर युगल को बुला रही हैं, सखियां गा रही हैं। घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहावे 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 और घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेरे बुलावे घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेरे बुलावे आहा घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेरे बुलावे घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेरे बुलावे। ओ नौका बहुत बहुत दूर चली जाती है, सखियां घाट पर खड़ी होकर युगल को पुकार रही है। सांवरिया आजा रे 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 आ जा रे ओ आ जा रे आ जा रे ओ आ जा रे आ जा रे आ जा रे ओ आ जा रे आ जा रे आ जा रे ओ आ जा रे आ जा रे आ जा रे प्यारी को लेके आ जा रे प्यारी को लेके आ जा रे श्रीजी संग लेके आ जा रे श्रीजी संग लेके आ जा रे नित झांकी मधुर दिखा 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 जा रे प्यारी को लेके आ जा रे प्यारी को लेके आ जा रे प्यारी संग लेके आ जा रे प्यारी संग लेके आ जा रे एक झांकी मधुर दिखा जा रे एक झांकी मधुर दिखा जा रे ओहो सांवरिया दासी बुलावे आ जा रे सब दासी बुलावे आ जा रे आहा कुंज सजाई आ जा रे कुंज सजाई आ जा रे भोग भर लाई आ जा रे भोग भर लाई आ जा रे आहा आ जा रे 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 प्यारी संग लेके आ जा रे प्यारी संग लेके आ जा रे आहा कुंज हमारी आ जा रे आहा कुंज हमारी आ जा रे ओहो सांवरिया आ जा रे Yeah.
रे आ जा 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 रे ओहो आ जा रे आ जा रे आ जा रे ओहो आ जा रे आ जा रे आ जा रे नहीं परत दिखाई आ जा रे नहीं परत दिखाई आ जा रे कहां नाव छिपाई आ जा रे कुंज में धाई आ जा रे कुंज में धाई आ जा रे कोपुलिन मन भाई आ जा रे कोपुलिन मन भाई आ जा रे तेरी दासी गुलामे आ जा रे तेरी दासी गुलामे आ जा रे वह झांकी मधुर दिखा जा रे वह झांकी मधुर दिखा जा रे ओहो सांवरिया आ जा रे बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहामे घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहामे और घाट घाट बैठाड़ी सखिया दे दे तेर गुलामे घाट घाट बैठाड़ी सखिया दे दे तेर गुलामे सखियां पुकारती हैं और जैसे प्रिया जी के कान में सखियों की आवाज पहुंचती है श्याम सुंदर को कहती है ले चलो कुंजों की ओर नौका पहुंचती है और तब तो घाट घाट पे है रे स्वागत सखियां लाड़ लड़ा में घाट घाट पे है रे स्वागत सखियां लाड़ लड़ा में आहा घाट घाट पे है रे स्वागत सखियां लाड़ लड़ा में घाट घाट पे है रे स्वागत सखियां लाड़ लड़ा में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में कभी विशाखा जी की कुंज कभी ललिता जी की कुंज कभी अनंग मंजरी जी की कुंज कभी तुंग विद्या जी की कुंज जैसे नौका पहुंचती है अपने यूथ की सखियों को लेकर के वो सखी जल में उतर जाती हैं और नौका को खींच कर लाती है तो घाट घाट पे है रहे स्वागत बहुविध लाड़ लड़ा में घाट घाट पे है रे स्वागत बहुविध लाड़ लड़ा में और रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में आहा रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती ला में रोक रोक सखियन नौका को भोग आरती लावे करे फूलन की जय हो फूलन की जय हो फूलन की चहुं बोछार गंगा जी की धारा
जो कर रहे जय हो, जो कर रहे जय हो, जो कर रहे नौका विहार गंगा जी की धारा में, जो कर रहे जय हो नौका विहार गंगा जी की धारा में। सखियां घाट पर नौका को रोकती हैं महाराज, इस प्रकार से भोग आरती और नौका को रोक लेती हैं और फिर कहती हैं, तुम्हें जाने ना देंगी पिया के पिया, तुम्हें जाने ना देंगी पिया के पिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, हाँ तुमने हमारा ये मन हर लिया, तुमने हमारा ये मन हर लिया, प्यारे तुमने हमारा ये मन हर लिया, प्यारे तुमने हमारा ये मन हर लिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, 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 तुम ही सो लागो हमारो जिया, तुम ही सो लागो हमारो जिया, प्यारे तुम ही सो लागो हमारो जिया, तुम ही सो लागो हमारो जिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, 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 भूख लगे मन भावत व्यंजन, 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 हाथों से पवा में भर थरिया, हाथों से पवा में भर थरिया, हिल मिल पवा में भर थरिया, हिल मिल पवा में भर थरिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, देंगी प्रिया के पिया, नींद लगे तो सेज सजाए दे, 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 कोमल बिछोना सजे तकिया, कोमल बिछोना सजे तकिया, कोमल बिछोना सजे तकिया, कोमल बिछोना सजे तकिया, तुम्हें जाने ना देंगी प्रिया के पिया, 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 ओह तुम ही सो मानो हमारो जिया, ओह तुम ही सो मानो हमारो जिया। एक घाट पे सखियां रोक लेती हैं, इतनी देर में दूसरे घाट से आवाज आने लगती है, फिर प्रभु नौका बढ़ाते हैं, घाट घाट बनी कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहावे, घाट घाट बनी कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहावे, घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेर गुलामे, घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे तेर बुलावे, आना ना हो गंगा जी की धारा में, आना हो ये हो, आना हो ये हो, आना हो हमारे एक बार गंगा जी की धारा में, डोले डोले रे ये हो, डोले रे ये हो, डोले रे जुगल सरकार गंगा जी की धारा, देखो करी रहे तो करी रहे हो, तो करी रहे नौका विहार
गंगा जी की धारा में गौ गई रहे नौका विहार। गंगा जी की धारा में लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। कोई सखी कर ले में बिना मुरछल कोई ढुरावे। कोई सखी लेकर में बिना मुरछल कोई ढुरावे। कोई सखी लेकर में बिना मुरछल कोई ढुरावे। कोई सखी लेकर में बिना मुरछल कोई ढुरावे। कोई कोई सखी जो ललित मधुर सुर राग अनुपम गावे। कोई सखी राग अनुपम गावे। आहा कोई कोई सखी जो ललित मधुर सुर राग अनुपम गावे। कोई कोई सखी ललित मधुर सुर राग अनुपम गावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। आहा लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। लग रही झोंका चल रही नौका आगे बड़ी बड़ी जावे। सखी छोरे जय हो। सखी छोरे जय हो। सखी छोरे इतर फुहार गंगा जी की धारा में। सखी छोरे जय हो। सखी छोरे जय हो। सखी छोरे इतर फुहार गंगा जी की धारा में। सरकार गंगा जी की धारा में दो कर रहे जय हो। दो कर रहे जय हो। दो कर रहे नौका विहार गंगा जी की धारा में। दो जय हो। जय हो। नौका विहार गंगा जी की धारा में। घाट पे है रे सागर दे दे टेर बुलावे। घाट घाट पे है रे स्वागत दे दे टेर बुलावे। सखियां घाट घाट पे है रे स्वागत दे दे टेर बुलावे। घाट घाट पे है रे स्वागत दे दे टेर बुलावे। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ले चल परली पार। यहाँ विराजे राधा रानी। यहाँ विराजे राधा रानी। यहाँ विराजे राधा रानी। यहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। तन मन धन सब तुमको अर्पण। तन मन धन सब तुमको अर्पण। यह जीवन भी तुमको अर्पण। यह जीवन भी तुमको अर्पण। बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण। बुद्धि सहित मन तुमको अर्पण। मेरा सर्वस्व तुमको अर्पण। मेरा सर्वस्व तुमको अर्पण। मेरे माझी मेरे खिवैया। मेरे माझी मेरे खिवैया। मेरे माझी मेरे खिवैया।
जी मेरे केवैया कर दे बेड़ा पार नैया ले चल परली पार ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी कृपा मई सरकार ले चल परली पार नैया ले चल परली पार श्याम सुंदर सो प्रीत लगाई श्याम सुंदर सो प्रीत लगाई श्याम सुंदर संग प्रीत लगाई श्याम सुंदर संग प्रीत लगाई सारे जग से प्रीत हटाई सारे जग से प्रीत हटाई द्वार पे ठाड़ी टेर लगाई द्वार पे ठाड़ी टेर ओह पथ देखत अखियां पथराई पथ देखत अखियां पथराई सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी सांवरिया में तेरी रागिनी तू मेरा मल्हार ले चल परली पार नैया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे सखियाँ सारी जहाँ विराजे सखियाँ सारी जहाँ प्रेम भरा दरबार चल परली पार नैया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार चल परली पा तू घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहामे घाट घाट बन कुंज अनुपम फूलन लड़ी सुहामे और घाट घाट बैठाड़ी सखियां दे दे टेर बुलामे घाट घाट पे ठाड़ी सखियां दे दे टेर बुलामे आहा घाट घाट बैठाड़ी सखियां दे दे टेर बुलामे घाट घाट पे ठाड़ी सखियां दे दे टेर बुलामे पधारो प्यारी संग सरकार पधारो प्यारी संग सरकार पधारो प्यारी संग सरकार पधारो प्यारी संग सरकार खुले हैं मन मंदिर के द्वार 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 तुम्हारी दासी करे इंतजार तुम्हारी दासी करे इंतजार तुम्हारी दासी करे इंतजार तुम्हारी दासी करे इंतजार पधारो जी के बरदान पधारो प्यार
फूलन कुंजन है तैयार, फूलन कुंजन है तैयार, फूलन कुंजन है तैयार, फूलन कुंजन है तैयार, सखियां भोग लिए भर था, सखियां भोग लिए भर था, घाट पे कर रही इंतजार, घाट पे कर रही इंतजार, घाट पे तेरी बाट निहार, घाट पे तेरी बाट निहार, पधारो सरकार, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, कभी जा कर कभी हो कर जाना कुंज हमारी, हो कर जाना कुंज हमारी, हो कर जाना कुंज, कभी हो कर जाना कुंज हमारी, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, मिलना वे महबूब बिहारी, घुंघराली अलका तो वारी, घुंघराली अलका तो वारी, घुंघरारी अलका तो वारी, नौका बैठे प्यारे प्यारी, नौका बैठे प्यारी प्यारी, नौका बैठे प्यारे प्यारी, नौका बैठे प्यारी प्यारी, हो कर जाना गली हमारी, हो कर जाना गली हमारी, हो कर जाना कुंज 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 हमारी, पधारो प्यारी संग सरकार, पधारो प्यारी संग सरकार, पधारो प्यारी संग सरकार, पधारो प्यारी संग सरकार, बिठाड़ी सखियां करे पुकार, बिठाड़ी सखियां करे पुकार, बिठाड़ी सखियां करे पुकार, बिठाड़ी सखियां करे पुकार, चहु दिस होए रही जय जयकार, 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 पधारो जय हो, पधारो जय हो, पधारो श्री जी संग सरकार, 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 जी की निर्मल धारा कल 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 बोले, गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले, गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले, गंगा जी की निर्मल धारा कल 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 बोले, तामे नौका सजी सुहावन, तामे नौका सजी सुहावन, तामे नौका सजी सुहावन, तामे नौका सजी सुहावन, डोले होले होले, डोले होले होले, डोले होले होले, डोले होले होले, तामे नौका सजी सुहावन, डोले होले होले, तामे नौका सजी सुहावन, डोले होले होले, ओए शिवा जय हो, ओए शिवा जय हो, ओए शिवा विविध प्रकार, गंगा जी की धारा में ओए शिवा विविध प्रकार, गंगा जी की धारा में जी की धारा में, आहा लाड़ लड़ाओ जुगल ने, लाड़ लड़ाओ, लाड़ लड़ाओ
जुगल ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ, विहार कराओ विहार कराओ, विहार कराओ विहार कराओ, सखी कुंज सजाओ कुंज सजाओ, कुंज सजाओ कुंज सजाओ, देखे तेर बुलाओ देखे तेर बुलाओ, 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 सखी भोग धराओ जुगल ने लाड लड़ाओ, 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 गोपी भाव जगाओ गोपी भाव जगाओ, गोपी भाव जगाओ गोपी भाव जगाओ, दासी भाव जगाओ दासी भाव जगाओ, दासी भाव जगाओ दासी भाव जगाओ, ओहो लाड लड़ाओ जुगल ने लाड लड़ाओ, 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 विहार कराओ लोका विहार कराओ, 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 सखी कुंज बुलाओ सखी कुंज बुलाओ, कुंज बुलाओ सखी कुंज बुलाओ, हिय कुंज बनाओ हिय कुंज बनाओ, 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 कुंज बनाओ हिय कुंज बनाओ, कुंज बनाओ हिय कुंज बनाओ, घाट घाट पे हो रे स्वागत फूल लड़ी सुहावे, घाट घाट पे हो रे स्वागत फूल लड़ी सुहावे, घाट घाट पे हो रे स्वागत फूल लड़ी सुहावे, घाट घाट पे हो रे स्वागत फूल लड़ी सुहावे, घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे टेर बुलावे, घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे टेर बुलावे, आहा घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे टेर बुलावे, घाट घाट पे सखियां ठाड़ी दे दे टेर बुलावे, आना हो जय हो फिर आना हो, जय हो फिर आना हो युगल सरकार, गंगा जी की धारा में फिर आना हो युगल सरकार, गंगा जी की धारा में डोले डोले रे, जय हो डोले रे, जय हो डोले रे युगल सरकार, गंगा जी की धारा में दो कर रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा में दो कर रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा में जो सुख बरस रहो गंगा तट, 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 मुख सो कयो न जावे, 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 महाप्रभु जी करुणा कीनी, महाप्रभु जी करुणा कीनी, बड़े बाबा जी करुणा कीनी, बड़े बाबा जी करुणा कीनी, अरे सोई यह दर्शन पावे, सोई यह दर्शन पावे, ओ सोई यह दर्शन पावे, सोई यह दर्शन पावे, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, लाड लड़ाओ सखी लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ सखी लाड लड़ाओ, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, अनुगत बढ़ाओ अनुगत बढ़ाओ, सुख बरस रहो गंगा तट, सुख बरस रहो गंगा तट, मुख सो कयो न जावे, मुख सो कयो न जावे, महाप्रभु
जी करुणा कीनी, आ प्रभु जी करुणा कीनी, प्रभु निताई करुणा कीनी, प्रभु निताई करुणा कीनी, बड़े बाबा जी करुणा कीनी, बड़े बाबा जी करुणा कीनी, सतगुरु जी ने करुणा कीनी, सतगुरु जी ने करुणा कीनी, सो यह दर्शन पावे, सो यह दर्शन पावे, गंगा तट मुख सो कयो न जावे, गंगा तट मुख सो कयो न जावे, महाप्रभु जी करुणा कीनी सो यह दर्शन पावे, महाप्रभु जी करुणा कीनी सो यह दर्शन पावे, जाओ गौरदास, जाओ गौरदास, जाओ गौरदास बलि बलिहार, गंगा जी की धारा में जाओ गौरदास बलि बलिहार, गंगा जी की धारा में जी की धारा में मन करी रहे ये हो, करी रहे ये हो, आज करी रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा में जाऊं रे बलिहार, गंगा जी की धारा में जाऊं जाऊं रे बलिहार, गंगा जी की धारा में तो कर रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा तो करी रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा में तो कर रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा तो करी रहे नौका विहार, गंगा जी की धारा में तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ उमड़ाई, ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ उमड़ाई, ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ उमड़ाई, ओ गंगा मैया उमड़ उमड़ तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ मैया तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ मैया तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ गंगा तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ गंगा तेरी लहरों में राधा कन्हाई, ओ गंगा तेरी लहरों में गौर निताई, ओ गंगा तेरी लहरों में गौर निताई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ 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 गंगा मैया निर्मल देव बनाई, ओ गंगा मैया निर्मल देव बनाई, ओ गंगा मैया निर्मल करो सुहाई, ओ गंगा मैया निर्मल करो सुहाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, 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 ओ गंगा मैया हरि से देओ मिलवाई, ओ गंगा मैया
भाई। ओ गंगा मैया लीला देव दर्शाई, ओ गंगा मैया लीला देव दर्शाई, ओ गंगा मैया तेरी नहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी नहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी नहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया लहर लहर लहराई, ओ गंगा मैया लहर लहर लहराई, ओ गंगा मैया भोर ब्रह्मांड को आई, ओ गंगा मैया भोर ब्रह्मांड को आई, ओ गंगा मैया शंकर जगा, ओ गंगा मैया शंकर जटा समाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया हरि से देव मिलवाई, ओ गंगा मैया हरि से देव मिलवाई, ओ गंगा मैया गौर से देव मिलवाई, ओ गंगा मैया गौर से देव मिलवाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, तेरी लहर मन, तेरी लहर मन भाई, तेरी लहर मन, तेरी लहर मन भाई, तेरी लहर, तेरी लहर मन भाई। तो बंधुओं बहुत आनंद से सखियां मानसी गंगा में कभी मान सरोवर पे कभी यमुना पुलिन पर सखियों को जल विहार करा रही हैं और पूरी ग्रीष्म ऋतु में यही दिव्य लाड़ संपन्न होते हैं होते रहेंगे। आज यहाँ नौका विहार उत्सव को विश्राम देंगे, आप सब बैठे रहेंगे, अभी आरती होगी और आरती के पश्चात सब लोग प्रसाद ग्रहण करके तब प्रस्थान करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो तुम, सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो तुम, सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो, सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो, नित्यानंद संग में अद्वैत चंद्र, श्री गौरांग नित्यानंद संग में अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर श्रीवासादि गुरु गौर भक्त वृंद, श्री गदाधर श्रीवासादि गुरु गौर भक्त वृंद, प्रचार नित नित देखा करो, सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो, तुम सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो, राधा जू को मोहन सो मोहन को राधा जू, राधा जू को मोहन सो मोहन को राधा जू सो, राधा जू को मोहन सो मोहन को राधा जू सो, राधा जू को मोहन सो मोहन को राधा जू सो, छिन छिन मारे प्यार नित नित देखा करो, ए हा छिन छिन मारे प्यार नित नित देखा करो, तुम सुख सो बिराजो सरकार, नित नित देखा करो,
तुम सुख सो मेरा जो सरकार नित नित देखा करूं। प्यारी जू को मोहन सो मोहन को प्यारी जू सो प्यारी जू को मोहन सो मोहन को प्यारी जू सो प्यारी जू को मोहन सो मोहन को प्यारी जू सो प्यारी जू को मोहन सो मोहन को प्यारी जू सो मोहन सो जड़े दुलार नित नित देखा करो दोन को करे दुलार नित नित देखा करो तुम सुख सो मेरा जो सरकार नित नित देखा करो तुम सुख सो मेरा जो सरकार नित नित देखा करो आहा गंगा तट जमुना तट कब हूँ बंसी बट गंगा तट जमुना तट कब हूँ बंसी बट गंगा तट यमुना तट कब हूँ बंसी बट कीजे नौका बिहार नित नित देखा करो कीजे नौका बिहार नित नित देखा करो जो सुख सो बीरा जो सरकार नित नित देखा करो जो सुख सो बीरा जो सरकार नित नित देखा करो आहा मेरे दो नैनों की ज्योति तुम्ही हो 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 तुम ही सो जग उजियार नित नित देखा करो तुम ही सो जग उजियार नित नित देखा करो तुम सुख सो वीरा जो सरकार नित नित देखा करो सुख सो वीरा जो सरकार नित नित देखा करो आहा करिए सब अपराध क्षमाई करिए सब अपराध क्षमाई करिए सब अपराध क्षमाई करिए सब अपराध क्षमाई दीजे चरण कमल सेवकाई दीजे चरण कमल सेवकाई हो दीजे चरण कमल सेवकाई दीजे चरण कमल सेवकाई श्री गौरदास बलिहार नित नित श्री गौरदास बलिहार नित नित देखा करो श्री गौरदास बलिहार नित नित देखा करो श्री गौरदास बलिहार नित नित देखा करो ए जी होए रही जय जयकार नित नित देखा करो होए रही जय जयकार नित नित देखा करो राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा राधा राधा
दिल बोलो राधा 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 सबकी प्यारी राधा 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 सब जन बोलो राधा 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 Haribo!
हरि बोल 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 प्रेम से कहिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम प्रेम से कहिए निताई चैतन्य द्वैत श्री राधा रानी की राधा रमण लाल की गिरिराज महाराज की गोवर्धन नाथ की परिपावन अवतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परम दयाल विपावन ताई चांद की शद्वैत प्रभु की गदाधर प्रभु की सुभाष पंडित की वृंदावन धाम की गोकुल बरसानानंद गांव की कुंड कृष्ण कुंड मानस गंगा की तुलसी महारानी की भक्ति महारानी की रज रज रानी की श्री गंगा मैया की श्री गंगा मैया की श्री गंगा मैया की युगल सरकार के नौका विहार महोत्सव आज के आनंद की बालक जीवन सुषमा श्वालक श्रीमद राधार मन चरणदास दे श्री बड़े बाबा जी महाराज की दीप चंद्र की बंधु सुंदर की ललिता सखी मैया की श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज की श्रीपाद गौरांगदास बाबा जी महाराज की सदगुरु देव की सदगुरु देव की श्री गुरु प्रेमानंद श्री गुरु प्रेमानंद श्री गुरु प्रेमानंद बहुत आनंद से उस सबको विश्राम दे रहे हैं और हमारे सचिन भैया जी अभिषेक भैया जी जिन्होंने मनोरथ किया ठाकुर जी का नौका विहार का आप सबके लिए ठाकुर जी के चरणों में बहुत बहुत मंगल कामना राधा गोविंद महाप्रभु जी अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें ऐसी गुरु महाराज के चरणों में बड़े बाबा के चरणों में प्रार्थना है आप सबको बार बार प्रणाम प्रसाद पाइएगा पुनः सत्संग में पधारिएगा प्रेम से कहिएगा जय जय श्री गुरु प्रेमानंद गौर हरि प्रिय भगवत प्रेमियों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं जहां श्री निताई गौरांग देव श्री राधा गोविंद देव श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी
वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।